हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाया हूं बर्जर पेंट से लेटेस्ट न्यू स्टॉक को बाय नाउ। कल के दिन पे हमने देखा बर्जर पेंट ने अपने क्वार्टर टू के नंबर्स दिए जो इनलाइन एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आए हैं, जो एस्टिमेट से मार्केट के उस हिसाब से नंबर्स आए हैं, जिसके चलते आज हमने बेरिश मार्केट में भी देखा था। ये स्टॉक सुबह ओपनिंग में कह सकते हैं कल के क्लोजिंग के हिसाब से ओपन हुआ था, लेकिन सडन एक अप ट्रेंड आया था 792-791 के आसपास, इसने इंट्राडे हाई किया और क्लोजिंग भी काफी अच्छा दिया है, 780 प्लस क्लोजिंग दिया है। तो बर्जर पेंट्स का व्यू इस समय बहुत ही पॉजिटिव है और इस वीडियो में हम देखेंगे पिछले 5 साल में कितना अच्छा ग्रो किया है इस स्टॉक ने, और स्पेसिफिकली जो डिफेंसिव इन्वेस्टर्स है जिन्हें जिसे कह सकते हैं इनका जिनका व्यू प्रॉपरली लॉन्ग टर्म का व्यू है या मीडियम टर्म का व्यू है, उनके लिए बेहतरीन स्टॉक है। तो इस वीडियो में सबसे पहले रिजल्ट्स देखेंगे, साथ ही में फंडामेंटल और टेक्निकल पार्ट भी देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि स्टॉक के बारे में क्लैरिटी मिले और आप अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो एक क्लियर व्यू मिल जाए आपका। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। नए सब्सक्राइबर्स को अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड पर्सन हूं सिंस 2007, एसोसिएटेड विद वन ऑफ द टॉप मोस्ट बुकिंग फर्म्स इन इंडिया, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, म्यूचुअल फंड मैनेजर, एसआईपी मैनेजर, एडवाइजरी प्रोडक्ट्स है काफी सारे हमारे कंपनी के, और हमारी कंपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है क्लाइंट्स के लिए। वीडियो की शुरुआत में वीडियो का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इन दिस वीडियो वी विल सी द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ बर्जर पेंट्स लिमिटेड, वी विल सी द रिजल्ट्स ऑफ क्वार्टर टू, वी विल सी द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द स्टॉक, फंडामेंटल ऑफ द स्टॉक देखेंगे और साथ ही में चार्ट पैटर्न भी देखेंगे स्टॉक का। क्यू एंड ए सेशन का आप सभी को फिर से एक बार रिमाइंडर देना चाहूंगा, इस संडे यानी 14 नवंबर को फिर से एक बार हम YouTube लाइव में जुड़ेंगे दोपहर को 3 बजे, जहाँ पे 45 मिनट्स के सेशन में जितने हो सके सभी की क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगर किसी का क्वेश्चन रह जाता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को टाइप करके रख दीजिए, जितनी जल्दी हो सके सभी के क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। साथ ही मैं कहना चाहूंगा अगर किसी का क्वेश्चन कह सकते हैं कोई स्टॉक के बारे में इंडिविजुअली किसी को डिमांड है, वीडियोस जानना है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस टाइप करके रख सकते हैं। एडवाइजरी स्कीम के बारे में आपको सभी को बताना चाहूंगा, स्पेशली जो लॉन्च हुई एक्सटर्नल क्लाइंट्स के लिए 30 डेज 90 डेज दो तरीके के मॉडल्स लॉन्च हुए हैं। 50 कह सकते हैं यहाँ पे दोनों ही मॉडल्स में पूरे महीने में 15 से 20 कॉल ऐसे दिए जाएंगे जो आप इंट्राडे बेस्ड, डिलीवरी बेस्ड, साथ ही में एफएनओ बेस्ड काम कर पाएंगे। अगर आप इंट्राडे बेसिस पे काम कर रहे हैं, कैश इक्विटी सेगमेंट में काम कर रहे हैं, तो एज पर ट्रेडिंग लिमिट काम कीजिए ताकि अगर पोजिशंस को आपको होल्ड करना पड़े तो आप पोजिशंस को होल्ड कर पाए, और अगर आप ट्रेडिंग लिमिट के हिसाब से और एफएनएम सेगमेंट में काम कर रहे हैं टू बी प्रिसाइज सॉरी, तो एंट्री एग्जिट लेवल एक्यूरेट रखें। जितना आप एंट्री एग्जिट लेवल एक्यूरेट रखेंगे उतना ही रिजल्ट आपको कंसिस्टेंट मिलेगा। और साथ ही में अगर अग्रेसिव ट्रेडर है, 5 से 6 लॉट में काम कर रहे हैं पर कॉल, तो टारगेट्स के पहले थोड़ा एग्जिट कीजिए ताकि पोजिशन आपका स्टक ना हो, लाइटन रखिए पोजिशन को। डिफेंसिव प्लेयर है, 1 या 2 कॉल में काम कर रहे हैं, तो एज पर टारगेट्स पे एग्जिट कीजिए। तो ये 3 से 4 चीजों का ध्यान रखिए और अपने स्कीम को अगर अपने पोर्टफोलियो को और भी अगर प्रॉफिटेबल बनाना है तो स्कीम का फायदा लीजिए और अपने पोर्टफोलियो को प्रॉफिटेबल बनाइए। तो लेटेस्ट बात न्यूज की बात करें तो बर्जर पेंट्स क्वार्टर टू कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट डिक्लाइंस 1% टू ₹219 करोड़। बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड ऑन वेडनेसडे रिपोर्टेड 1% डिक्लाइन इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट एट ₹219 करोड़ फॉर सितंबर क्वार्टर 2021-2022 इंपैक्टेड बाय द हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड कोविड-19। तो यही एस्टिमेट्स थे, शायद 1 या 2% प्रॉफिट डिप होते हुए दिख रहा था, लेकिन बाकी सब कुछ इनलाइन था। ये एस्टिमेट्स थे यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वार्टर टू के नंबर्स के और उस हिसाब से ये नंबर्स आए हैं, जिसका रिएक्शन हमने कह सकते हैं यहाँ पे कल के दिन पे थोड़ा बहुत देखा था मार्केट आवर्स में, लेकिन आज हमने अच्छे से स्टॉक में इसका रिएक्शन देखा। साथ ही में अगर हम देखें तो कंपनी विच इज इनटू पेंट्स एंड कोटिंग्स हैज पोस्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹221 करोड़ इन द ईयर अगो पीरियड। बर्जर पेंट्स इंडिया सेट इन रेगुलेटरी फाइलिंग, यानी पिछले साल 221 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 219 करोड़ का प्रॉफिट है। रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस वाज एट 22225 करोड़ इन द क्वार्टर एज अगेंस्ट 1742 करोड़ इन द ईयर अगो पीरियड, यानी रेवेन्यू में एक अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। पिछले साल रेवेन्यू था 1740 करोड़ के आसपास, इस बार जो इस क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट हुआ है 2225 करोड़ के आसपास। However, total expenses were higher at 1939 crore as compared to 1471 crore in the second quarter. Cost of material consumed shot up to ₹1303 crore from 750 crore in the corresponding period year. यानी material cost के बढ़ कह सकते हैं उनका जो rates है वो बढ़ते हुए यहाँ पे जो profit है वो decline हुआ है। अगर वो inline होता है तो शायद ये जो profit 1% down है वो शायद आपको positive में दिखता था ऊपर। साथ ही में COVID-19 की वजह से यहाँ पे सब कुछ सभी business effect हुए थे, जिसके चलते यहाँ पे बर्जर पेंट्स में भी उसका effect देखा गया है। Results आपके screen के सामने है,
पिछले साल टोटल रेवेन्यू था 1549 करोड़ के आसपास, इस बार रेवेन्यू है 1951 करोड़ के आसपास। साथ ही में अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो पिछले साल प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 258, इस बार भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 258, यानी टोटल प्रॉफिट एज इट इज है पिछले साल के हिसाब से। और अगर नेट टोटल कह सकते हैं, प्रॉफिट कह सकते हैं, यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल नेट प्रॉफिट था 192.72 करोड़, इस बार आया है 191.79 करोड़। तो ऑलमोस्ट इन लाइन है, यहाँ पे रेवेन्यू में ग्रोथ है लेकिन ड्यू टू हाई एक्सपेंसेस, ड्यू टू हाई मटेरियल कॉस्ट, यहाँ पे प्रॉफिट हमने इन लाइन ही देखा गया है। लेकिन मेन चीज मुझे जो वीडियो में इस दिखाना है यहाँ पे, वो है पिछले 5 साल में ग्रोथ देखिए। 2017 में टोटल रेवेन्यू था 4552 करोड़ और वो कॉन्स्टेंटली एक्सपोनेंशियल वे की तरफ बढ़ा है, 5165, 6061, 6365 और 6817। तो कॉन्स्टेंटली यहाँ पे रेवेन्यू में ग्रोथ देखा गया है पिछले 5 साल में। साथ ही में अगर नेट प्रॉफिट भी बात करें तो 463, 460, 498, 664, 725, तो ये भी पिछले 5 साल में कॉन्स्टेंटली बढ़ते हुए देख रहे हैं हम। और यहाँ पे ईपीएस की बात करें तो ईपीएस 4.88 था 2017 में, जो इस बार 2021 में हमें दिख रहा है 7.41। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो रेवेन्यू पिछले 5 साल में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है, नेट प्रॉफिट भी एक्सपोनेंशियली भी ग्रोथ हुआ है और ईपीएस भी अच्छे से ग्रो हुआ है पिछले 5 साल में। बैलेंस शीट अगर हम देखें तो इस कंपनी का, तो क्या रिजर्व्स अगर हम देखें तो रिजर्व्स ग्रोइंग मोड में, वो पॉजिटिव ग्रोइंग मोड में है। 2017 में कंपनी के पास रिजर्व थे 1815 करोड़ के, इस बार कंपनी के पास रिजर्व है 3180 करोड़ के। तो कॉन्स्टेंटली यहाँ पे पिछले 5 साल में रिजर्व ऑलमोस्ट कह सकते हैं 1.5 गुना हो चुका है यहाँ पे रिजर्व। लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग देखे तो कंपनी पे कोई भी लॉन्ग टर्म कर्जा नहीं है, कंपनी डेट फ्री है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जब भी कोई कंपनी पे डेट फ्री रहती है, कंपनी कंपनी पे कोई कर्जा नहीं रहता है, तो अच्छे से परफॉर्म कर रही है। वही पिछले 5 सालों में हम देख रहे हैं, पिछले 5 सालों में एक बार भी कंपनी पे लॉन्ग टर्म कर्जा नहीं है। शॉर्ट टर्म कर्जा हर एक कंपनी पे रहता है, इस पर भी है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म कर्जा इतने मायने नहीं रखता है जितना लॉन्ग टर्म कर्जा मायने रखता है। और कैश फ्लो की बात करें तो पिछले साल अगर हम देखें तो पिछले 2017 में अगर कैश फ्लो देखें तो कंपनी का जो कैश फ्लो था वो 0 था और इस बार कैश फ्लो है 918 करोड़ के आसपास। तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने कैश फ्लो भी काफी अच्छे से ग्रो किया है। प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा देखिए तो पूरे महीने में 11 लाख का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, जिसमें से 4 लाख की डिलीवरी क्वांटिटी, यानी ऑलमोस्ट 35 to 40% डिलीवरी पूरे महीने में देखा गया है परसेंटेज यहाँ पे। प्रमोटर होल्डिंग देख ले तो प्रमोटर होल्डिंग है 75%, यहाँ भी क्लियर कट जो परसेंटेज है उस हिसाब से प्रमोटर्स ने अपने होल्डिंग रखे हैं, प्रमोटर्स ने एक भी शेयर अपने प्लेज नहीं किए हैं। साथ ही में एफआईएस होल्डिंग की बात करें तो एफआईएस का होल्डिंग है 11.37 से लेकर 11.22, पिछले 5 क्वार्टर में अपने एफआईएस ने जो होल्डिंग है वो कॉन्स्टेंट रखा है। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस का 3.73 से 3.9, ये भी कंसिस्टेंट है। और पब्लिक होल्डिंग्स की बात करें तो 9.91 से लेकर 9.88, यानी ये भी कंसिस्टेंट है। तो ओवरऑल अगर देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न सभी जो पैरामीटर्स है वो कंसिस्टेंट है। यहाँ पे पिछले 5 दिनों का बॉटम देखें तो 752 का था, हाईएस्ट आज हमने देखा 792 का है। 1 महीने का चार्ट पैटर्न अगर हम देख ले तो बॉटम है करीबन 715 के आसपास का, हाईएस्ट पॉइंट था 860, और अगर 3 महीने का बॉटम देख ले तो अगेन 715 के आसपास है और हाईएस्ट पॉइंट है 860। तो ओवरऑल मैं कहूंगा काफी अच्छा ये स्टॉक है, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली काफी साउंड है और पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव के साथ इस स्टॉक का ऑब्जेक्टिव मैच होता है तो जरूर स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। आपके स्क्रीन पे आपको मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्लैश हो रहे हैं, साथ ही में मेरे वेबसाइट का नाम फ्लैश हो रहा है। अगर आपको इक्विटी में, कमोडिटीज में, करेंसी में, किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेनिंग लेना है या फिर ट्रेडिंग करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही में एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के लिए कोई कंसल्टेशन कोचिंग की जरूरत है, वेबसाइट पे लॉग इन कीजिए, कंसल्टेशन कोचिंग बुक कीजिए, एग्जैक्टली आपको आपके हर एक प्रॉब्लम का उस कंसल्टेशन कोचिंग में सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।